सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं फिर से क्यों स्वागत करता हूँ? अभी तो आपका स्वागत कर रहा हूँ। मुझे अब तक इंट्रो को शूट करे हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, और काफ़ी दिनों बाद, मतलब कि काफ़ी दिन के 2-3 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फेवरेट क्रिस्टल क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इतने टाइम में मैं इस वाली ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा था, और इस पर मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम फेस ड्रॉ करते हैं, फेस मैंने ड्रॉ कर लिया, हेयर ड्रॉ करते हैं, हेयर भी मैंने ड्रॉ कर लिया, और क्लोथ भी कुछ हद तक मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। बाकी तो अभी पूरा, मतलब कि यहाँ से पूरे यहाँ तक के पूरे ये वाला जो है इसे ड्रॉ करना है, तो इसे ड्रॉ करूँगा मैं, तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगा वीडियो में। अगर हो सकेगा तो आपको वीडियो में दिखाऊँगा, नहीं तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। आते हैं अपना, तो अपना टॉपिक है कि आपको फेवर कस्टर्ड खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन 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 किसे खरीदनी चाहिए किसे नहीं खरीदनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको फेवर कैस्टल के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूँ। फेवर कैस्टल 2 तरीके की हैं, मतलब कि वैसे तो होती हैं सारी फैंस, एक चारकोल और एक ग्रेफाइट है, लेकिन इसकी ग्रेफाइट में भी दो इसके वो हैं वर्जन बोल सकते हो आप। एक तो ये वाली जो मेरे पास है, ये आपको पड़ती है 50 to 60, ठीक है, 50 से 60, तो मुझे तो ये 50 की पड़ी है। और क्योंकि जो अपने जिनसे मैंने लिए है वो काफ़ी अच्छे हैं और नॉन भी हैं, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट करके 45 में दे दिया था, ठीक है। और दूसरा इसका आता है फेवर कास्टल गोल्ड, वो थोड़ा इसे एक्सपेंसिव है, और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। मैंने अब तक यूज़ नहीं करी है, लेकिन मैं सीरियसली उसे यूज़ करना चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है, उसे कैसा फील आता है, क्योंकि इससे तो भाई सीरियसली बहुत अच्छा फील आया। मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा इसे, परफेक्ट नहीं बोल सकता। रीज़न ये है क्योंकि इसमें कुछ पेंसिल हैं जो एक्स्ट्रा मुझे लगती हैं, और कुछ हैं जो मुझे लगता है कि इसमें होनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा बोलूँ तो इसमें जो 3B है, मुझे नहीं लगता कि 3B का इतने को यूज़ है। अगर 3B की जगह HB होती तो काफ़ी अच्छा था, और 3B 2B में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। फिर 4B आ जाती है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि 5B ठीक है, अच्छी है, ठीक है, लेकिन 6B है और 8B ठीक है, ठीक है। और अगर 10B मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पेंसिल होती है। अगर आप कोई भी सेट खरीदते हैं उसमें 10B इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डार्क वैल्यूज होती है उसके लिए, अगर आप मतलब कि अदर पेंसिल के साथ जाते हो, 8B या 10B 6B के साथ जाते हो, तो उसमें आपको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, और जिससे कि मतलब कि जो पेंसिल के निशान है वो आपकी ड्राइंग पर दिखते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है अगर मतलब कि आपको रफ करना हो। लेकिन 10B के साथ ये कि आप मतलब कि बहुत कम प्रेशर के साथ जो डार्क वैल्यूज़ आपको चाहिए वो आप उन्हें अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जो गोल्ड है वो मैंने अब तक यूज़ नहीं करी है। तो अगर मैं आपको अपना फाइनल विचार बताऊँ, तो मेरा फाइनल ये है कि हाँ, आपको खरीदनी चाहिए, लेकिन क्यों खरीदनी चाहिए? अगर आप मतलब कि बिगनर हैं और आप मतलब कि अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो, आप अच्छे मतलब कि लाइट एंड सेज को समझ रहे हो, लाइट डार्क समझ रहे हो, तो भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। और आप अगर मतलब कि इससे ज़्यादा थोड़े जो एक्सपेंसिव जो मटेरियल्स है, पेंसिल्स हैं, उन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप इसे खरीद सकते हो, ठीक है। कि हाँ, आर्टलाइन बहुत अच्छा ब्रांड है, और मैंने ये ब्लेंडिंग स्टम्प खरीदे और मुझे काफ़ी महंगे लगते हैं, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट जो मुझे प्राइस इसका MRP लग रहा था ये 120 का था, लेकिन जिनसे मैंने लिया वो काफ़ी मतलब कि अच्छे हैं। उन्हें पता है कि भाई मेरा भी मतलब कि बजट इतना ज़्यादा नहीं होते, तो उन्होंने मुझे सस्ते में लगा दिया। मुझे उन्होंने ये लगा लो आप 100 के दे दिए थे, ठीक है। और अगर आप देहरादून में हो तो फिर मैं आप लोगों को उस दुकान के बारे में बता दूंगा, उसकी लोकेशन बता दूंगा, अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ मस्ट विजिट। और उन्होंने स्पॉन्सर नहीं करा है सीरियसली, और उसके नाम क्या पेपर पेपर करके कुछ है यहाँ पर है आपका। अगर आप मतलब कि घंटाघर साइड चाहते हो तो आपको धर्मपुर चौक से थोड़ा आगे आना पड़ेगा, माता मंदिर रोड पे, वहाँ पे आपको मिलेगा। मुझे थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जो आर्ट मटेरियल्स है काफ़ी अच्छे हैं और लोग बेचते हैं, तो फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। एंड अच्छे हैं, काम के हैं, लेकिन तभी अगर आप मतलब कि एक बहुत महंगा एक्सपेंसिव कमीशन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसे कर रहा हूँ, तो फिर मैं खरीद लिए।
कोई बात नहीं, आगे भी काम आएंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हो और मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कमीशन वर्क नहीं करते, बहुत एक्सपेंसिव कमीशन वर्क नहीं करते, तो आप टिश्यू पेपर या कॉटन बड्स के साथ जाइए, वो भी बहुत अच्छा वो करते हैं आपको, मतलब कि अच्छा रिजल्ट देते हैं, एंड आई थिंक इनसे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं कई बार तो। ठीक है, मैं इनसे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। थर्ड नंबर पर मैंने लिया था ये आपका। तो तीसरी चीज़ें जो मैंने ली थी वो है नीडेड रेजर। ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चारकोल में, ग्रेफाइट में भी ज़रूरत पड़ती है, बट इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है मुझे लगी, शायद इसलिए क्योंकि मेरी स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन नीडेड अच्छा है, मुझे सस्ता लगा तो फिर मैंने ले लिया। नहीं तो इससे पहले मैंने जो कैमलिन का लिया था वो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, वो था 80 रुपये का भाई। मैं तो कान उड़ गए थे, मैं किसी को कहता था भाई ये 80 रुपये का है, तो फिर वो सारे कह रहे हैं मजाक मार के क्ले है। तो अवेल उन्हें तो खैर नहीं पता होता है, लेकिन ये आप नीड इरेजर, और इसका भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि मैंने जब तक यूज़ नहीं करा है तो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को ये कैसे हैं। और जहाँ से अभी आर्टिजान में जो मैंने हरकत करी उसके बाद आपको लेने तो ले सकते हो, क्योंकि मुझे तो भाई फेवर कास्टल पे भरोसा है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले इससे पहले वाला जो था वो इससे महंगा था, तो मैं थोड़ा टेंशन में कि अगर उसकी क्वालिटी ख़राब थी और इसकी क्वालिटी अच्छी हुई तो फिर मैं लूट गया बहुत बुरी तरीके से। वेल गाइज, इतना ही था आज की वीडियो के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करो करो यार, कुछ भी कमेंट करो ना, कुछ भी तो बताओ, मेरे बारे में बोलो, ड्राइंग के बारे में बोलो, या फिर मुझे बताओ कि मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है।